लाना खत्म नहीं होता वो तो आज भाई बहुत दुखी हो ते ते रो दे यार मेरे रो ना आंदा ना तू आंखें लाल हो गए रो रो अच्छा मैं नहीं रोया घर दे रोया घर दे रोया यकीन करो सायरा नींद नहीं आई ड्रामा देख के मेरे को इनके जैसे खामदों का कसूर है कह दानिश की डेथ हो गई है यार बाम जी पागल हो गई यार दानिश दुख हुआ था ड्रामे में जो एंड होना चाहिए था वो नहीं हुआ रो रहे थे सारे रो रहे थे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अच्छा आपको दानिश की डेथ हो गई है उसके बारे में क्या ख्याल है हां वेलो तू ही आप ही ये तो बच्ची रो रही है रो नहीं है सारे हो रही है आपके बारे आपका क्या ख्याल है आप रोए थे नहीं मैं क्यों रोना है देखा था ड्रामा नहीं देखे भी नहीं नहीं मैं का तो वेन रो तो हूं तू भी लगता रो रहा है फिर तेते रो दे यार मेरे रोना आंदा ना चल यार कोई नहीं गल खैर सर आप सुबह 8 बजे आ रहे हैं ना नहीं आ जाए 8 बजे आपने सबको इनवाइटेड आप नहीं आएंगे क्यों कुल्ला ना खत्म नहीं होता वो तो दानिश का दानिश था तो जनाजा कितने बजे हुआ था जनाजा जनाब यार खलाई में लोग ने पढ़िया था जनाजा अच्छा खुफिया कर खुफिया अपना अपना नवाशी साहब ने 5 अटैक आए ने उन्होंने कुछ नहीं होया पहले अटैक ही चले गए ने अगे भाई ने 5 अटैक आए ने फिर भी गोश्त करेले हर चीज खाई यार जा रही है जेडी अटैक वाले ते लग उंदी भी नहीं लगनी चाहिए हां जी अटैक वाले ते लग उंदी जी अच्छा ते आए दुख होया ही सच सही दसी जी होया तो नहीं ना रो पई ना होया ही दुख जी क्यों मर गया हो के मर गया रोया झूठ ना बोल नहीं मैं नहीं रोया घर दे रोया घर दे रोया मेरे भी घर दे रोया वो चुप कराने टाइम लग गया रोए क्यों हन अच्छा क्यों कैन चुप कराया है इतनी परेशानी होगी मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है लेकिन लड़की को मरना चाहिए मर्द दानिश गया यकीन करो मुझे नींद नहीं आई सही रात से टेंशन और गम से बड़ा मैं 2-3 बार यानी कि रिपीट करके जो है वो देखा लेकिन बड़ा दिल बहुत परेशान हुआ है बड़ा मजे का ड्रामा है बहुत मजा आया वैसे तो आपके साथ जो जो 2% की औरत है ठीक है मैं वश तो उसके साथ अच्छा होगा जाहिर है उसके लिए वो एक यानी कह लो कि सबक दे गया और यही हमारे लिए कह लो कि लेसन है कि मतलब कि जो आम जो यूथ जनरेशन है उनको सीखने को मिलता है और ये घरेलू जो मामला होते हैं यानी कि टोटल एक जो स्टोरी है वो बेसिकली यानी कि हर एक करेक्टर को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे ख्याल से हम सब के लिए जो है वो एक बार अगर सारा अगर कोई कंप्लीट ड्रामा देखे यकीनी तौर पर वो 100 किस्म के मामला से बचेगा बहुत अच्छा है अच्छा रात दी दानिश की डेथ हो गई है की ख्याल है था डेथ बारे नहीं सी होनी चाहिए थी मेरे बच्चे बड़े अपसेट हुए ने बेटा बेटी वो मैं दुकान बंद करके जल्दी चला गया लेकिन वो बड़े अपसेट हुए ने बेटा बेटी रोंदे हन तो बस वो नहीं सी होना चाहिए मैं वैष्णु मार दें ना वो ठीक सी शिवार नु मार दें दे वो ठीक सी लेकिन दानिश हीरो नु नहीं मरना चाहिए हैप्पी एंडिंग करनी चाहिए है ना सारे ड्रामे दे विच लोकां नु मायूसी सी बड़ा मजेदार ड्रामा सी लेकिन एंड हैप्पी होना चाहिए था ही सही है एक्सेप्ट करना हा पया मैं के महवश नु मारनगे लेकिन एना ने लोगों ने भी यही उम्मीद है के महवश ही महवश मरनी चाहिए थी ही एना दानिश नु मार के बस नहीं सही नहीं लोगों नु दुखी रोवा के मायूस कीता अच्छा अच्छा ताडे साहब मैं जेडे लोकी रोए हन ठीक है उनके बारे में की ख्याल है सारिया किस्तां वेखियां ने वो एक्सेप्ट करते हैं पे के मैं विश मरेगी मैं विश नु मरना चाहिदा ही ते लेकिन वो उल्टा हो गया काम ते जाहिर है फिर वो लोकां ने एक्सेप्ट नहीं कीता है के एंजॉयगा बहुत दुखी हो यार बड़ा अच्छा रात की दानिश की डेथ हो गई है क्या ख्याल है इसके बारे में यार मुझे तो आइडिया नहीं है इतना दानिश की डेथ देख रहा हूँ आवाम पागल हुई है ठीक और आवाम को तो ऐसे ही है कि जैसे किसी का कोई सगाई फोत हो गया हुआ है इवन लोग तो जनाजे के लानात का के मुंतजर हैं घरों में औरतें ऐसे बिहेव कर रही हैं खामदों के साथ के जैसे खामदों का कसूर है दानिश की डेथ हो गई है तो आपके साथ भी हुआ कुछ ऐसा हुआ है ये कहानी घर घर की ये जाहिर है यार दुख होया नहीं मैंने तो कोई दुख नहीं क्यों कोई दुख नहीं ड्रामा है पाया ना अच्छा हाँ जी फैमिली दे नाल बैठ के देखे हाँ फैमिली वाले की सिचुएशन नहीं होता सही दस मैं कुछ भी नहीं यार मैं तो अपनी वाइफ ने ये गल कही है कि ड्रामा है ठीक है नहीं ड्रामा ही है ना यार मेरे घर वाले फीलिंग रो रहे हैं
ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਡਨੈਸ ਤੋਂ ਸੈਡ ਸੈਡ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਵਾਮ ਇੰਜ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਯਾਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਫੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਡਰਾਮਾ ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਿਆਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਸਾ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ तो जो होना था हो गया ड्रामा ऐसा नहीं था होना चाहिए ड्रामे में एंड कुछ और होना चाहिए था एंड क्या होना चाहिए एंड यही होना चाहिए था कि उसको माफ़ी दे देता और खुद जिंदा रहता या वो मर जाती तो जान छूट जाती तो दूसरी तरफ वो टीचर भी थी ना हाँ उसके बेटे ने वो भी जबान दी हुई थी कि मेरा बाप बेवफा नहीं हो सकता हाँ बेशक उसका बाप बेवफा नहीं था हाँ ठीक है तो फिर क्या चीज़ रखता दोनों में से कौन सी साइड रखता ये देखो ना वो मर ही गया गलत हुआ है हाँ दुख हुआ था कि नहीं नहीं मैनू कहता दुख मेरा क्या भरा लगता जी नहीं तो भाई तो किसी का भी नहीं था लगता ना दुख हुआ था ड्रामे में जो एंड होना चाहिए था वो नहीं हुआ इस बात का दुख था बाकी जो हो गया खत्म करें तो आपने फैमिली में के साथ फैमिली में बैठ के देखा फैमिली के तो फैमिली की क्या सिचुएशन थी इस वक्त रो रहे थे सारे रो रहे थे क्यों रो क्यों रहे थे बस तो आपको आपकी क्या फीलिंग थी इस वक्त मेरी भी दिल में मतलब आ रहा था जज्बात रोके हुए थे लेकिन जी सही है तो मैंने सुना है आप टिकटॉक वगैरह बनाते हैं जी टिकटॉक तो आपने कोई टिकटॉक बनाया इस पे वो दो टके की औरत पे या नहीं अभी तक इस पे नहीं बनाया कोई भी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल चाल है अल्लाह का बड़ा करम है अच्छा हुक्म करो रात दा दानिश मर गया की ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਕੋ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਚਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ सही हो गया अजीब सा ख्याल है इस बारे में क्योंकि उन्होंने जो पूरा फिल्म बनाई है वो बंदा मर भी रहा है ऑक्सीजन उससे उतार दी है और वो बोली जा रहा है और बोली जा रहा है अल्लाह ऐसी मौत सबको नसीब करे जिसमें बंदा पूरे मैसेज दे देता है पूरे मैसेज जी जी कि ये कर लेना रूमी तुम ये कर लेना और पता नहीं मैं विश तुम ये कर लेना नहीं अंदर आने नहीं दिया नहीं पर मैसेज कन्वे कर दिया ठीक है तो ये थोड़ा सा फनी थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा फनी था वो टीचर जो हानिया थी उसके साथ हो गया हाँ उसके साथ यकीनी तौर पे हुआ है यही मतलब इसीलिए देखे ना वो लेडीज का भी हम यकीन करें हम खुद रोने वाले हुए थे इतना यानी कि जबरदस्त ड्रामा है बड़ी एक यानी कि बड़ी सेंसेशनल यानी कि बनाई इन्होंने जबरदस्त ड्रामा बनाया मगर उसके लिए जो है वो थोड़ी सी ज्यादा इन्होंने कर दी है तो ये कि पार्ट टू इसीलिए कहते हैं लोगों की डिमांड है कि मतलब इस तरह का कुछ ये पार्ट टू यानी कि आना चाहिए या इस तरह की कोई जो है वो सीरीज आनी चाहिए इनकी ना कोई जो है वो लोग चाहते हैं लोगों को कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है ट्रेंड है तो कह रहे हैं अब देखें आता है कि नहीं आता ज़ाहिर भी आता है अफसोस तो हुआ है क्यों एक फर्स्ट सडन डेथ हुई है उसके अलावा जो उसके साथ हुआ वो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता इस वजह से वो तो आपके भी कोई रिलेटिव या कोई रोए मेरी अपनी फैमिली रोई श्योर तो नहीं लेकिन ज़ाहिर ही बात है रोए तो होंगे ठीक है तो आपकी फीलिंग क्या थी हाँ मेरी आंखों में आंसू आए थे ठीक शुक्रिया जनाब मैं बहुत अफसोस हुआ अच्छा हाँ नहीं वाकई अफसोस हुआ था बहुत हुआ मैं तो आंखें लाल हो गए रोड हो गए वाकई रोए हो हाँ वाकई रोए रोए क्यों हो किसी की याद आई नहीं किसी कोई माजी याद आया नहीं हम आए यहाँ इतनी किस्मत कहाँ पे मैं हमारे साथ कोई अच्छा। बात बने तो फिर क्यों रोए वो दानिश की डेथ हो गई इसकी तो अच्छा ये बताएं कि अब जो महवश थी जो दो टके की औरत है जो ठीक है उसका क्या बनेगा उसका अब यही है वो मैं उसको मर जाना चाहिए हाँ अच्छा तो जो ये जो दानिश की डेथ हुई है ये ठीक हुआ है नहीं ये नहीं ठीक हो तो किसे मरना चाहिए था आपके लिहाज से वो महवेश को मरना चाहिए महवेश को मरना चाहिए इतना ही मरना चाहिए था या फायर मारना चाहिए था या कुछ इस तरह की सजा होनी चाहिए हूँ डंडा मारना चाहिए था सर पे सिर दे वेज हाँ अच्छा चलो चलो वो तो ठीक है जो टीचर है जो हाँ जो टीचर थी उसका क्या बनेगा उसको उसके लड़के से शादी कर लेनी चाहिए छोटा से उसके लड़के से शादी वो बाहर हो जाएगा तो फिर कर ले ठीक हो जाए यानी कि अगला फिर ड्रामा आपसे बनवा लें हम हाँ ऐसे कर लेते ऐसे कर लेते देखिए ड्रामा दानिश की डेथ हो गई है इसके बारे में क्या ख्याल है जनाजा बड़े अल्लाह खैर की थी अल्लाह कहाँ पड़ा जनाजा जिथे पड़ी जन्दन गायब नमाज जनाजा पढ़ लिया सही है तो दुख हुआ नहीं दुख किस बात का अच्छा
मरण वाला मर जाना की दुख का। जो लोग रो रहे थे उनके बारे में क्या ख्याल है? वो वैसे ही रो रहे थे। वैसे ही क्यों? उन शौकिया तौर पर भी रो लेंदे ने, देखे ना भाई 10 दिन पे शौकिया तौर पर भी बंदा रो लेंदा रो लेंदा। हां ओही से। अच्छा तो जो उसके अंदर महवश थी जिसे दो टके की औरत बोला गया, तो उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या बनेगा उसका? कुछ भी नहीं बनेगा, ड्रामा खत्म हो गया, सारे सीरियस हो जो गल ठीक है ये बाद बंदा की। तेरे हिसाब से अगला पार्ट आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। सही है, उन्होंने लाए आड़े तो आना चाहिए। हाँ, क्यों रो रहे थे वो? वो रो रहे थे क्योंकि ड्रामा बहुत अच्छा था, अच्छा नाइस था, सही है। और उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, देखा भी है। हाँ। तो इसलिए उसे देख के तो जोन से ना ऐसे ही फील होता था कि जैसे लाइव में सीरियसली चले। हाँ, रियल हो रहा है। तो जो महवश याद है, जो महवश याद कह रहा हूँ, जो महवश है जो अंदर एक्टर है, उसका क्या बनेगा? अब उसका क्या बनेगा, वो मिल जाएगी उसे। किसे? दूसरे को। दूसरे किसको? जोन साहब उसके साथ था, दानिश के शोहार साहब से जो। अच्छा। हाँ, दानिश तो जब फोत हो गया तो यहाँ पे वैसे भी रियल में सब रो रहे थे पाकिस्तान में, तो ऐसे जैसे वो रियल में कोई। आप रोए? जोर नहीं बोलना। नहीं, मैं तो नहीं रोया, लेकिन अफसोस बहुत होया। अफसोस हुआ। हाँ जी। तो फैमिली वाले? फैमिली वाले भी बस ऐसे ही। नहीं, वो तो रोए होंगे। फैमिली रोई है। रोई ना। हाँ जी, सही है। तो रोए क्यों है? बस वो ड्रामे कुछ इस तरह का था। अच्छा जी, पागल ने साबित करना चाहते हैं यार। कोई पता नहीं कि उन्होंने कोई रिलेटिव्स होए या कोई माजी होए उसकी वजह तो मतलब कि वो याद आ गया है तो रोए हो। हाँ यार, मैं इस बारे में तेनों कुछ नहीं दस सकता, ठीक है ना। ये बंदे का अपना थिंग है कि रोना है कि हंसना है कि करना है, तो इंटरटेनमेंट लिए रो के की साबित करना चाहते हैं। आपने कुछ नहीं, आपने देखी नहीं, एक भी नहीं एपिसोड देखी? मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं। ये भी एक सबसे नहीं जिन्होंने अभी तक उस ड्रामे की कोई एपिसोड नहीं देखी, कोई भी नहीं ना देखी। नहीं, कोई भी सच बताना जो नहीं, नहीं कोई भी नहीं। क्या मेरी नजर में तो ये औरतों का काम है ड्रामे में देखना, बिजनेस ठीक है चले ठीक है होता है, लेकिन इतना भी दिल पे नहीं लेना चाहिए कि इतना तो रिश्तेदारों की फौतगी का नहीं करती है जितना उसकी फौतगी का कर रहे हैं और हो रहे हैं। यार कोई इस तरह भी होता है कि कुछ अपने माजी जो होता है या किसी की याद में वो जब वो उस वक्त सामने जो सीन चलता है तो फिर वो याद आ जाता है सब कुछ, वो फीलिंग आ जाती है, यही वजह बन जाती है। लेकिन देखा जाए ना तो वो फीलिंग इतनी नहीं लेते जितनी इस ड्रामे की फीलिंग ले ली है लास्ट एपिसोड की ना, तो हमने तो शुक्र अल्लाह का नहीं देखा, बेहतर नहीं देखा। आपने भी कोई एपिसोड नहीं देखा? कोई एक एपिसोड नहीं देखी, सिर्फ गाना सुना है उसका राहत का बस। देखा ड्रामा? मैं लास्ट देखा था 10 मिनट जब उसको अटैक आया था, जब उसने बोला मुझे हाथ नहीं लगा रहा। मजा आया था नू? बहुत ज्यादा। बल्ले बल्ले। हां जी, सारे ने बड़ा मजा आया जैसे। सही गल है, ग्रेट। तो आपके हिसाब से वो जो टीचर है जो हानिया क्या नाम है उसका, उसका क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनना, क्या है गाने के अगले ड्रामे की तैयारी कर रहे हो? यानी कि पार्ट 2 आना चाहिए? जी जी बिल्कुल, लाजमी आना चाहिए। तो गाने के थोड़े से बोल ही सुना दे। बोल नहीं याद नहीं है, थोड़े याद नहीं, आप सुना दें यार, मैं फिर याद करके नेक्स्ट वीक सुना दूंगा आपको। बताओ यार थोड़ा सा सुना। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये मखबूर आंखें जो बदली हुई हैं, मेरा ये बरम था मेरे पास तुम हो।